तो गाइज अभी हम लोग गैंगटोक आ गए हैं और अभी यहाँ पर गाड़ी खड़ी कर हम लोग बैठे हुए हैं हम और मामा। तो अभी यहाँ पर ये जो होटल है पीछे यहीं पर रुके हैं क्योंकि कुछ काम है, जो लोग हमारे साथ आए थे तो उन लोग को काम ख़त्म करने में भी आधा घंटा लगेगा, तब तक से हम लोग यहीं पर रेस्ट करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो जो नदी है यही राफ्टिंग कहलाता है और इसका शायद तकरीबन 4000 रुपये से स्टार्टिंग है और ये 2-3 किलोमीटर तक छोड़ते हैं और फिर जीप से आ जाते हैं लेने के लिए। जैसा कि आप ये जीप देख रहे हैं इसी पर ये देखिए यहाँ पर अब इनको पिकअप करेंगे और इनको ले जाएंगे जहाँ से इनको छोड़े थे राफ्टिंग के लिए। तो अभी आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, काफ़ी मस्त है क्योंकि इसमें ज़्यादा मैंने ऑडियो लगाया है क्योंकि अंदर से बना रहा हूँ ब्लॉग। तो ठीक है, देखते रहिए आप लोग पूरा ब्लॉग। देख रहे हो हम लोग शाम को अभी पहुंच गए हैं गेलखोला और यहीं रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे हम लोग अपना थोड़ा खाना खाएंगे फिर चलेंगे। और काफ़ी तेज़ देख रहे हो बारिश का मौसम भी बन रहा है, देख रहे हो रात में पहाड़ पे कैसे गाड़ियाँ चल रही हैं अंधाधुंध। और इधर से भी देख लो टाटा पंच। गाइस अभी हम लोग मोमो खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठकर मोमो खा रहे हैं, फिर अभी चलेंगे कुछ देर में। अभी 7 बज रहा है फिर चलेंगे आज, और काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो जैसा कि हम लोग अब खा पी कर मोमो चल दिए हैं और रात का समय में आपको दिखाते हैं जो पहाड़ के जो नज़ारे होते हैं और ये काफ़ी ख़तरा वाला रास्ता है क्योंकि यहाँ पर पत्थर जो है मतलब जो पहाड़ है ना स्लाइडिंग काफ़ी हो रहा है, जो कि सिक्किम गैंगटोक में अभी न्यूज आया था बहुत ख़तरा कर दिया है। आप लोग पूरे पहाड़ को देखिएगा और मज़े लीजिएगा क्योंकि मेरा भी फर्स्ट है नाइट में पहाड़ पर राइडिंग। तो चलिए आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और बारिश भी काफ़ी बहुत तेज़ बारिश हो रही, बहुत तेज़ बारिश और रास्ता भी कुछ समय तो हम लोग जा रहे थे तो खाली था एकदम, कोई नहीं दिखाई दे रहा, अब तो गाड़ी भी आ रही है यहाँ पर।
गाइस हम लोग काफ़ी देर से पहाड़ पर रात में चलते चलते, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग सुबह के 7 बजे से निकले थे और 10 बजे पहुंच रहे हैं रात को, और अब हम लोग आ गए हैं अपने एरिया में। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।